क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, सभी ने तो सेम चीजें पढ़ रखी हैं, सभी ने तो सेम सिलेबस को फॉलो कर रखा है, कंटेंट भी सभी के पास बराबर है, तो ये कई लोग 98% स्कोर कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ 80% पे अटक के रह जाते हैं। कभी खुद से सवाल पूछे ये इतना बड़ा गैप कैसे आया? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन की। एक एक मार्क्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, और मैंने अपने टाइम पे क्लास 12th में 98.2% स्कोर करे थे। यकीन नहीं होता, ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जितनी भी टिप्स, जितनी भी ट्रिक्स देने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन पार्ट से रिलेटेड, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। हो सकता है तुम्हारे जो ये आखिरी दिन बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, मैं बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट की, यहाँ पे बताइए ये कि ट्रिक फॉलो कर लेना, पेपर प्रेजेंटेशन में फोड़ दोगे और तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट मिल जाएगा। सब कुछ जो मैं बताऊंगा उसके चाहे नोट्स भी बना लेना ताकि तुम फिर बाद में भूलो ना। अगर अभी तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बात अभी बोर्ड्स की हो रही है, CUET भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है। इस चैनल की हेल्प से मैं तुम लोगों के लिए जितनी भी वीडियोस आगे फ्यूचर में पोस्ट करूंगा सभी की सभी वीडियोस तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने कुछ सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मैं वो प्लेलिस्ट भी ऊपर आई बटन पे पिन कर दूंगा, एक बार जरूर उन वीडियोस को देख लेना। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या अप्रोच रहना चाहिए मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी प्रिपेयर करके तुम लोगों के साथ शेयर भी कर रखी है। वीडियो को स्टार्ट करूं, आई होप अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक मिनट, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं हर वीडियो की तरह देना भूल ही गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्यार। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को टोटल 5 टिप्स बताने वाला हूँ। इन 5 टिप्स को मैं बताना शुरू करूँ, मेरी तुम लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में अभी के भी लिख डालो कि तुम अपनी क्लास 12 बोर्ड में कितने परसेंटेज एम कर रहे हो। अपने आप से वादा करना कि जब क्लास 12 बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो तो क्या तुमने उतने परसेंटेज अचीव करे जितना तुम लोगों ने इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया था। तुम लोगों को याद होना चाहिए, अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी। आई होप अब तक कमेंट कर दिया होगा। नोट पैड उठा लो, एक पेन ले लो और अब मैं जो टिप्स बताऊंगा लिखना शुरू कर दो। शुरुआत करता हूं टिप नंबर 1 से। पहला सवाल तो तुम लोगों के मन में यही आ रहा होगा, क्या ये हैंड राइटिंग मैटर करती है भैया लिखते टाइम पे? हम जब क्लास 12th में आ चुके हैं, इतनी लंबी जर्नी को क्रॉस करा है, UKG से नर्सरी से लेके क्लास 12th तक हमारी राइटिंग ही नहीं सुधरी, तो क्या ये राइटिंग की वजह से कहीं हमारे नंबर तो नहीं कट जाएंगे? बताता हूँ, इस वीडियो का नाम मैंने पेपर प्रेजेंटेशन क्यों रखा है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में कभी राइटिंग ज़्यादा मैटर करती ही नहीं है अगर तुमने पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर रखा है, सही अच्छे ढंग से पेपर को लिख रखा है। तो राइटिंग वाले फैक्टर को तुम थोड़ा बहुत इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि लास्ट डेज में यार तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारी राइटिंग वैसे की वैसे ही रहनी है, उसमें चाहे तुम कितनी भी इंप्रूवमेंट कर लो। बट अदर फैक्टर्स जो बताऊंगा ना आगे इस वीडियो में, उन पे अगर ध्यान दे दिया तो मार्क्स बूस्ट कर जाएंगे, राइटिंग को फिर तुम नेग्लेक्ट करोगे थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि यार इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगी लास्ट डेज में। स्पेशली राइटिंग वाले फैक्टर को तुम्हें इग्नोर ही करना पड़ेगा, राइटिंग उतनी मैटर करती भी नहीं है जब तुमने और पॉइंट्स पे ध्यान दे लिया जो भी मैं बताने वाला हूं। टिप नंबर टू रिलेटेड है। देखो, जब भी तुम्हारे पास आंसर शीट आएगी ना, एक बात बता देता हूँ, किसी भी बोर्ड में एक्स्ट्रा आंसर शीट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तुम एक्स्ट्रा आंसर शीट ले सकते हो, कंजूसी क्यों करनी है। तुम मेन शीट जो तुमको मिलेगी ना, या फिर कोई भी शीट तुम एक्स्ट्रा भी लोगे, तो तुम उस आंसर शीट के दोनों तरफ मार्जिन बना के चलना। मार्जिन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि ना एग्जामिनर के लिए भी कन्वीनियंट रहता है और हमारे लिए भी कन्वीनियंट रहता है। हमारे लिए कन्वीनियंट कैसे है, अगर हमें कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है ना, हम पीछे रफ वर्क में करेंगे, उससे बेटर है हम ये मार्जिन जो हमने साइड में ड्रॉ कर रखी है वहां पे हम छोटा सा लिख सकते हैं पेंसिल से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमने रफ वर्क कर रखा है वो हमने साइड में उस मार्जिन के अंदर कर दिया। इससे ना हमारा फायदा हो गया, ठीक है, और इससे एग्जामिनर का भी फायदा है। अभी एग्जामिनर का कैसे फायदा है, एग्जामिनर जब भी तुम्हारा आंसर चेक करेगा ना, उसको जितने भी मार्क्स अलॉट करने होंगे वो तुम्हारी उस आंसर शीट की साइड में लिख देगा, ताकि उसको ना बार बार कंफ्यूजन ना हो और उसको ये समझ आ जाए कि कौन से क्वेश्चन की मार्किंग उसने कितनी कर रखी है। उसके लिए तुम पेपर को चेक करना जितना ईजी बनाओगे ना एग्जामिनर के लिए, उतना ज्यादा तुम अपने आप को सेफेस्ट साइड पर रखोगे, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलने की तुम्हारे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। टिप नंबर 3,
जब भी तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो ना, तो वो हमेशा एक सेपरेट शीट से किया करो। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ सुनो, सपोज तुम लोग आंसर नंबर 15 अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर नंबर 15 के दो पार्ट है, आंसर नंबर 15 ए आंसर नंबर 15 बी। जो तुम्हारी सेपरेट शीट होती है ना, उसके ऊपर ऊपर पहले बड़ा बड़ा लिखो बिल्कुल मिडल में आंसर नंबर 15 ए, उसको क्लाउड से बना दो, और जो तुम्हारा नीचे का स्पेस होगा उसमें तुम आंसर को लिखना शुरू करो। अगर सपोज तुम्हारा आंसर खत्म होने के बाद भी नीचे कुछ लाइन बच जाती है, तुम्हें नीचे वाली लाइन को यूटिलाइज नहीं करना है, अगली शीट पे जाओ, अगली शीट पे ऊपर बड़े बड़े लिखो आंसर नंबर 15 बी, मतलब उसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी होगा वो, और उसको भी क्लाउड में बनाओ और फिर उसके नीचे आंसर लिखना स्टार्ट करो। सेपरेट शीट पे हमेशा कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठो तो हमेशा सेपरेट शीट पे लिखो, ऊपर सेंटर में हेडिंग बना के उस आंसर का नाम लिखो, उसको क्लाउड में बनाओ, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि कौन सा आंसर तुम लिख रहे हो, और कोई भी क्वेश्चन उससे ना छूटे जब वो चेक कर रहा होगा। क्योंकि कभी कभार ना हम एक ही आंसर के नीचे दूसरा आंसर जब शुरू कर देते हैं, एग्जामिनर को समझ नहीं आता वो ऑर्डर किस तरीके से चल रहा है। कोई भी कंजूसी तुमको नहीं करनी है, जब एक्स्ट्रा शीट मिल रही है तो सेपरेट शीट से हमेशा क्वेश्चन करो ना। टिप नंबर फोर रिलेटेड है, कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे होते हैं एग्जाम में जहां पे तुमको डिफरेंस बिटवीन करके लिखना होता है ना। ये तुम्हारी बात टीचर्स ने भी कही होगी, ये मैं भी बोलूंगा क्योंकि मैंने ये चीज खुद फॉलो करी थी अपने एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं तुम लोग हमेशा उसको टेबल फॉर्मेट में करा करो, पहली बात। दूसरी बात, जिस बेसिस पे तुम कंपेयर कर रहे हो ना दो अलग अलग चीजों को, वो बेसिस तुमको अच्छे से हाईलाइट करना पड़ेगा। एग्जाम में तुमको तीन कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है बेसिस और जो दो कॉलम रह जाएंगे उनमें तुम लोगों को जिसका कंपैरिजन कर रहे हो उनके बारे में लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ वापस रिपीट करूंगा, बेसिस इंपॉर्टेंट है, बेसिस रटने के लिए भी मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से समझ आएगा। डिफरेंस बिटवीन करके पूछ लिया तुम लोगों से इंडिया और चाइना की इकोनॉमी के बारे में, तो तुम बेसिस वाले फैक्टर में ना, सपोज इन दोनों कंट्रीज को पहले तुम एजुकेशन के पैरामीटर पे कंपेयर कर रहे हो, तो बेसिस में लिखो एजुकेशन, तो जो दोनों कंट्रीज का लिटरेसी रेट चल रहा है उसको पहले इंडिया वाले ब्लैंक में लिखो कि कितना परसेंट लिटरेसी रेट है। तुमने दोनों कंट्रीज को कंपेयर किस बेसिस पे करा, एजुकेशन लेवल पे, और एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं, लिटरेसी रेट के थ्रू, है ना। तो तुम लोगों ने दोनों कंट्रीज को कंपेयर भी कर दिया, बेसिस भी तुम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ये एक मास्टर टिप है जो तुम लोगों को मार्क्स दिलवाने में हेल्प कर रही होगी। और हाँ, मैं तुम लोगों को छोटा सा एडिशन और बता देता हूँ, जब भी तुम लोगों को लगे कि क्वेश्चन में छोटा सा फ्लो चार्ट बन सकता है, माइंड में बन सकता है, या छोटी मोटी ड्रॉइंग बन सकती है, जिससे एट द एंड ना तुम आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, कोशिश ये करना। तुम लोग थोड़ा बहुत अगर क्रिएटिव हो सकते हो तो हो जाना, आंसर्स कुछ इतना नीट एंड क्लीन बनाओगे, जिस तरीके से थोड़ा कैची बनाने की कोशिश करोगे ना, मार्क्स तुमको प्रेजेंटेशन के मामले में ज्यादा मिलेंगे, इंक्रीज हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज। ये चीज मैंने भी फॉलो करी थी, 98.2% ऐसे ही स्कोर नहीं करे। टिप नंबर फाइव बताने से पहले मेरी वापस से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये सारी टिप्स जो मैं तुमको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, 98.2% क्लास 12 बोर्ड्स में लेके आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तुम लोगों को मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ, ये चैनल अभी बात बोर्ड्स की कर रहा है, CUET भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है, एक लंबी जर्नी है, पूरी जर्नी में ये चैनल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिप नंबर फाइव रिलेटेड है, देखो तुम लोगों के एग्जाम में जितने भी की टर्म्स होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उनको हमेशा हाईलाइट करा करो पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल नहीं करना, पेंसिल की हेल्प से करना है। एग्जामिनर पता है कभी कभार किन्नी किन्नी केसेस में सिर्फ उन कीवर्ड्स को देख के ही आंसर चेक कर देते हैं, खुद सोच के देखो क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम होगा इतनी सारी आंसर शीट्स चेक करते टाइम पे सभी को एक लाइन टू लाइन पढ़े, कोई भी नहीं पढ़ते हैं। कीवर्ड जो तुम लोगों ने अपनी आंसर शीट में लिख रखे होंगे ना, कई एग्जामिनर सिर्फ उनको देखते हैं और फिर चेक कर देते हैं। तुम लोग अपनी आंसर शीट में ना बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने की जगह बुलेट पॉइंट्स में अगर अपने आंसर्स को लिखोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं इन कंपैरिजन टू बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ना। बुलेट पॉइंट्स का एक और फायदा बताता हूँ, सपोज 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, एग्जामिनर तुमको वो पैराग्राफ में तो प्रोबेबिलिटीज कम होती है, वहां पे हो सकता है कोई 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको 4 मिल रहे हो या फिर 3.5 नंबर मिल रहे हो, बट तुमने अगर सपोज 6 मार्क्स के लिए 7-8 पॉइंट बुलेट पॉइंट बना के उस पैराग्राफ को लाइंस में लिख के बुलेट पॉइंट्स बना के अपने आंसर में लिख रखा होगा ना, एग्जामिनर तुमको इजीली 6 out of 6 मिलने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाते हैं यार। तो कोशिश ये करना बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने की, अगर पैराग्राफ हो रहा है तो पैराग्राफ में भी अपने की टर्म्स को हाईलाइट कर दो चल जाएगा, लेकिन बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखोगे मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है।
स्टार बना दिया, या फिर तुम लोगों ने बॉक्स में उस आंसर को हाईलाइट कर दिया, या फिर मैं बात करूं कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर निकल के आ गया, वो आंसर अगर तुमको लगता है करेक्ट है उसको बॉक्स बना के शो कर दिया, छोटा मोटा फॉर्मूला उसको भी स्टार बना के या फिर बॉक्स बना के शो कर दिया, ताकि न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के अंदर तो सिर्फ एग्जामिनर ना उस आंसर को देखता है। अगर तुम्हारा वो आंसर जो तुमने बॉक्स में हाईलाइट करके दिखाया होगा वो करेक्ट होगा तो एग्जामिनर तुमको पूरे क्वेश्चन के मार्क्स फुल एंड फुल दे देगा, लेकिन अगर ये गलत हो जाता है ना तब वो स्टेप मार्किंग वाली बात आती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट के अंदर। ये है वीडियो की बोनस टिप, क्योंकि वीडियो को देखते देखते तुम लास्ट तक आ गए हो क्योंकि तुमने समझे इस वीडियो की इंपॉर्टेंस। देखो, जब भी कोई कैलकुलेशन वाला हमारा एग्जाम होता है, अकाउंटेंसी हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, और हम क्या करते हैं ना, हमारे जो मेन शीट होती है, मेन शीट के हम पीछे ना कैलकुलेशन वर्क जितना होते हैं रफ शीट लिख के उसको सारा रफ वर्क हम पीछे कर रहे होते हैं ना, ये कभी कभार थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। अगर गलती से भी कैलकुलेशन करते टाइम पे हमने जो आंसर हमारे निकल के आ रहे हैं वो हमने गलत लिख दिया अपने मेन आंसर में, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी होती है, एक छोटे से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के चक्कर में आंसर ही गलत दिया, नंबर कहाँ से मिलेंगे। कोशिश ये करना, मैंने तुम लोगों को जो स्टार्टिंग में बताया था ना, मार्जिन ड्रॉ करते हैं, जो हम मार्जिन के साइड में ना जो छोटा सा रफ वर्क लिख के वहाँ पे ही तुम लोग अपनी वो कैलकुलेशन करो, ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए तुमने कैलकुलेशन कैसे कर रखी है और तुम्हारे लिए भी ईजी हो, उस कैलकुलेशन को वहाँ से उठा के सिर्फ मेन आंसर में लिखने का। अप्लाई करके देखना, पीछे रफ शीट में करने से बेटर है तुम मार्जिन के साइड में ही लिखोगे तो तुम लोगों की गलती जो होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, वो नहीं हुआ करेगी। इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को जितनी भी बातें बताई ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। 98.2% स्कोर करने का मेजर रीजन था पेपर प्रेजेंटेशन ही, सब कुछ जो बताया है रेलिवेंट है तुम्हारे 12 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम लोगों से कोई भी फ्यूचर में वीडियो मिस ना हो। चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस अपलोड कर रखी है, तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। तुम्हारा कोई और सजेशन हो, तुम्हें कोई और क्वेरी हो, तुम्हें कोई और डाउट पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता देना। और वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अपने आप से वादा कर लेना, जितना भी परसेंटेज तुम एम कर रहे हो, जितना भी परसेंटेज तुम सोच के बैठे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को वो भी बता देना। जब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इस वीडियो पे वापस आना, एक बार अपने कमेंट को देखना, क्या तुम लोगों ने उतने परसेंटेज स्कोर करे हैं जितना अपने आपसे वादा किया आज की डेट पे। विश्वास अपने जितिन भैया पे दिखाना, तुम्हारे विश्वास पे जरूर खरा उतरूंगा। हर वीडियो के एंड में कहे, इस वीडियो के एंड में से ही थोड़े इंतजार और कर लो, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।